केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हरियाणा के सीएम की बैठक, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहनों की कैटेगरी से किया बाहर, कमर्शियल वाहनों की कैटेगरी से बाहर करने का नोटिफिकेशन लिया वापस। पटना साहिब के लिए प्रदेश से रवाना हुई दो विशेष ट्रेनें, अंबाला और सिरसा से यात्रियों को लेकर निकली ट्रेनें। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर सीएम खट्टर ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में किसानों को बांटा मुआवजा। केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को दिया मुआवजा, 8 गांवों के किसानों को दिए गए चेक। इको ग्रीन कंपनी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा। सफाई कर्मचारियों ने किया निगम कमिश्नर आवास का घेराव, कहा चीन के साथ यारी, सफाई कर्मचारियों के साथ गद्दारी नहीं चलेगी। फरीदाबाद में दलित समाज ने फूका फिल्म अभिनेता सलमान खान का पुतला। सलमान खान पर लगाया दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। सलमान के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है दलित समाज। और हरियाणा न्यूज के शो स्मोकिंग किल्स का असर, धूम्रपान करने पर पुलिस का चालान काटने का अभियान तेज। चालान कटने के डर से भागा युवक, पुलिसकर्मी को जमकर भगाया अपने पीछे। न्यूज में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। केएमपी एक्सप्रेसवे के तहत करीब 1 दर्जन गांवों के किसानों की अधिग्रहित की गई जमीनों को लेकर उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मुआवजा बांटा। यह मुआवजा सेक्टर 12 के हुडा के कन्वेंशन हॉल में बांटा गया। यह मुआवजा 100 से ज्यादा किसानों में वितरित किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि आज जिन किसानों के कागजात पूरे हो चुके थे उन्हें मुआवजा चेक के जरिए दिया गया है, और जिन किसानों के कागजात पूरे नहीं है उन्हें बाद में मुआवजा दे दिया जाएगा। आज यहाँ पर जो पिछले 2006 के अंदर केएमपी के लिए जमीन का एक्विजिशन किया गया उसके मुआवजे की बात थी। तो पिछले अनेकों सालों से जो किसान हैं संघर्ष कर रहे थे, तो अब HSIDC ने जो 72 करोड़ रुपए का मुआवजा है वो इन लोगों तक घर तक आकर पहुँचाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद की जो फाइनल हो गया था वो जितने भी पेमेंट थी सारे किसान भाइयों को उनके हाथ में, यहाँ पर जितने भी लोग बनते थे जिनका भी मुआवजा बनता था उन तक पहुँचाने का। 100 कुछ लोग हैं टोटल मिला के, 72 करोड़ रुपए की राशि है वो उन तक वितरित कर दी गई है। जिन लोगों के कुछ पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ वो पेपर वर्क 2-4 दिन में पूरा कर देंगे तो उनका राशि और उनको मिल जाएगी। जितने लोगों ने अपना पेपर वर्क का कंप्लायंस कर दिया उनको लोगों को आज ही यहाँ पर ट्रांसफर। पिछले महीने इसी सभागार के अंदर हमने चेक बांटे थे, ऐसा पहली बार ही हुआ था, और आगे जनवरी के अंदर उन्हें दूसरी किस्त दे रहे हैं। उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी तरीके की बातें ऐसा लोगों के बहकावे में ना आए, सरकार उनकी जो उचित मुआवजा उसको देने के लिए प्रतिबद्ध है। और सरकार रेगुलर, आप लोगों ने देखा पिछले 3 साल से टाइम टू टाइम जो किस्तें थी वो उन तक पहुंच रही है और आगे भी जनवरी में किस्त पहुंचेगी और जल्दी उनका जितना भी बकाया है पूरा। किसान भाइयों को पूर्ण रूप से भरोसा है, मैंने पिछले महीने चेक बांटे थे, लेकिन जो कुछ विपक्ष के हमारे साथी हैं वो उन्हें भी अपनी राजनीति चमकानी है तो इसलिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोगों के साथ वहां बैठ जाते हैं। अदरवाइज ऐसा ना तो कोई भरोसे की बात है ना किसी तरीके की बात है। किसान भाइयों को मुझे तो नहीं लगता कोई ज्यादा। फरीदाबाद के किसानों को मुआवजा मिला, जरा ग्राफिक्स के जरिए इस खबर को एक बार फिर से आप देख लीजिए। 8 गांवों के किसानों को, फरीदाबाद के 8 गांवों के किसानों को चेक के थ्रू ये मुआवजा दिया गया। केएमपी एक्सप्रेसवे के तहत अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा बांटा गया। यहां पर विपुल गोयल ने खुद ये चेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 178 किसानों को दिया गया मुआवजा। 8 गांवों के किसानों को दिया गया 72 करोड़ रुपए का मुआवजा। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने 178 किसानों को मुआवजे के ये चेक बांटे आज। जिन किसानों के कागजात पूरे हो चुके हैं उन्हें मुआवजे के चेक दिए गए, ये भी आपको बताते चले। जिन किसानों के कागजात पूरे नहीं उन्हें बाद में मुआवजा दिया गया, ये स्पष्ट किया गया यहां पर कि कागजात पूरे नहीं है जिनके उन्हें बाद में मुआवजा मिलेगा। जमीन का अधिग्रहण केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए साल 2006 में किया गया था।
जिसके लिए फरीदाबाद के 8 गांवों के किसानों को मुआवजा के तौर पर चेक बांटा गया। जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, जिनके कागज पूरे थे उन्हें मुआवजा हमने दे दिया, जिनके कागज पूरे नहीं है उन्हें आगे दिया जाएगा, आगे कब और कागजात किनकी ओर से पूरे नहीं है, किसानों की ओर से या विभागीय कार्रवाई रुकी हुई है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये जमीन जो कागज पूरे होने की बात बता रहे हैं, जिस तरीके से जो अधिकारी बता रहे हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जो किसान है उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड उनके पास जमा नहीं है, जो कि अब चेक जो है सीधा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, सीधा जो फंड है, जो सीधा पैसा है सरकार द्वारा सीधा अकाउंट में जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देरी की जा रही है। जैसे ही किसान ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जी ठीक है, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन्हें नहीं मिला मुआवजा, जिनके कागजात पूरे नहीं थे, वो निराश नहीं है, वो ये चीज समझ रहे हैं कि कागजात जब हमने दिए ही नहीं तो अभी कहाँ से मिलेगा, है ना? जी जी, चलो बहुत शुक्रिया राजा इस जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम उन गांवों के नाम भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ के किसानों को मुआवजा बांटा गया है, उसमें बामणी का, खुसलूर, फरीदाबाद के 8 गांव हैं कुल मिलाकर। लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी ये तमाम गांवों के नाम भी हम दिखा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। विपुल गोयल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। आज जिन किसानों को मुआवजा दिया गया, बाकियों के लिए सर ये कहा गया कि कागजात पूरे हो जाएंगे तो आपको भी दे दिया जाएगा, वहां पर सर क्या चीजें रह गई हैं? नहीं नहीं, टोटल 72 करोड़ रुपए का मुआवजा था, वो सारा का सारा ट्रांसफर करा दिया गया है। जिन लोगों ने अपने आई कार्ड और पैन कार्ड जमा करा दिए, अपने आइडेंटिटी प्रूफ जमा करा दिए, उन लोगों का साथ साथ ट्रांसफर ऑर्डर बन गया। जो नहीं करा पाए वो कल करा देंगे, सैटरडे संडे मंडे भी उनके लिए खुला रहेगा, साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगा उनके अकाउंट। मतलब फंड आ गया है उनके लिए, सभी के लिए आ गया है। चलो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इसके लिए, धन्यवाद। तो जिनके लिए अभी हम बात कर रहे थे कि कागजात नहीं है, मुआवजा नहीं मिला, उनका भी पैसा आ चुका है, जैसे ही वो अपना आईडी प्रूफ और ये तमाम कागजात जो उनकी ओर से नहीं दिए गए दे देते हैं, ठीक तभी उन्हें भी मुआवजा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खुद विपुल गोयल को अभी आप सुन रहे थे जिन्होंने हरियाणा न्यूज पर ये बात रखी, जानकारी दी। फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए चाइना की इको ग्रीन कंपनी को मिली जिम्मेदारी का फरीदाबाद के सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, नगर निगम ऑफिस से झाड़ू प्रदर्शन करते निगम कमिश्नर के आवास का घेराव किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार को जमकर कोसा और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। ये जो प्रदर्शन है, हम लगभग पिछले 16 दिनों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि जो इको ग्रीन कंपनी चीन से आई है, जो घर घर से कूड़ा उठाएगी, उससे हमारे जो सफाई कर्मचारी घरों में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। हम उनके समायोजन की बात कर रहे हैं और हरियाणा सरकार के मुताबिक उनको वेतन देने और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि में जिन्होंने फरीदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया, चाइना की इको ग्रीन कंपनी का ये लगातार विरोध कर रहे हैं। हम आपको रोजाना इस पर कुछ ना कुछ अपडेट जरूर दिखाते हैं। चाइना की कंपनी को फरीदाबाद में कूड़ा उठाने के लिए टेंडर दिया गया है। स्पष्ट कर दूं, केवल 5 वार्डों के लिए यह टेंडर दिया गया है कि शुरुआत में आप 5 वार्ड में काम करके दिखाइए। अभी से रोष है इन सफाई कर्मचारियों में, कह रहे हैं कि हमसे तो हमारी रोजी रोटी ही छीन ली। बीच में इन्हें
कृष्ण पाल गुर्जर ने भी समझाने की कोशिश की थी कि वो खुद इको ग्रीन से बात करेंगे, उसके शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे और कहेंगे स्टाफ आपको अपॉइंट वहां पर किया जाए ताकि रोजी रोटी की समस्या ना हो। तब ये शांत हो गए थे, लेकिन आज फिर ये हाथों में झाड़ू लेकर झाड़ू प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्या हो गया ऐसा इस बीच में कि इको ग्रीन ने इन्हें चलता कर दिया, बात नहीं बनी, क्या जान लेते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया से। राजेंद्र, आज फिर से झाड़ू प्रदर्शन, इससे पहले जब हमारी बात हुई थी कृष्णपाल गुर्जर ने भी इन्हें समझाने की कोशिश की थी जब ये वहां पर पहुंच गए थे अपनी खिलाफत को लेकर, बात नहीं बनी क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इनकी कोई बात नहीं बनी, जबकि जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि इनकी इनको इनकी नौकरी जरूर वापस मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज इन्होंने जो है नगर निगम कमिश्नर के घर का घेराव किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी रोजी रोटी छिन गई है और चाइना का जो पक्ष ले रहे हैं, जो सरकार जो चाइना की खिलाफत करती है और आज चाइना की कंपनी को ठेका देकर उसकी हिमायत कर रही है, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको बेरोजगार कर दिया है, तो जिससे इनके लिए काफी संकट पैदा हो गया है और उसी को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर अपना जोरदार प्रदर्शन किया है। जी, कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया है इन्होंने किसी को? देखिए, कोई भी अधिकारी इनका ज्ञापन लेने भी नहीं आया और काफी देर तक, करीब एक से डेढ़ घंटे तक ये यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते रहे और विरोध जाहिर किया, और लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक इनकी नौकरियां वापस नहीं मिलेंगी वो अपना धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे और इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। जी। इस बीच चाइना की इको ग्रीन कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया है, या इनके इस विरोध प्रदर्शन से काम पर कोई असर पड़ रहा है राजेंद्र? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो चाइना की जो कंपनी है उसने अपना काम शुरू कर दिया और बाकायदा जिस दिन से केंद्रीय मंत्री ने इनका शुभारंभ किया था उसी दिन से काम स्टार्ट है, लेकिन इनको जो नौकरी नहीं मिली है विरोध इन्होंने उस चीज का किया है। जी चलिए, इस पर अपडेट क्या रहता है जानने के लिए लौटूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आज पूरे जिले में कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत फरीदाबाद के थानों और चौकियों की पुलिस ने धूम्रपान करने वालों से जुर्माना वसूला। इसी कड़ी में दो नंबर पुलिस चौकी की टीम ने इलाके के बस अड्डे और रोज गार्डन में सरेआम धूम्रपान करने वालों को धर दबोचा, उनसे जुर्माना वसूला। रोज गार्डन में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया एक युवक पुलिस के साथ बातचीत करते हुए भाग खड़ा हुआ, जिसके पीछे पुलिस के जवानों ने भी जमकर दौड़ लगाई और आखिरकार युवक को काबू किया गया। बाद में चौकी इंचार्ज ने उसे नसीहत देते हुए 200 रुपए का जुर्माना वसूला, फिर छोड़ दिया। सीपी साहब के आदेश अनुसार आज हम ना कोपटा के चलान कर रहे हैं, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट वगैरह का सेवन करना पहले से वर्जित है, लेकिन लोग बाग कहने से नहीं मानते, इसलिए सीपी साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है वे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चलान करो ताकि लोगों को जागरूकता मिले, अगर इस प्रकार से बीड़ी सिगरेट पीने आम नागरिक को भी नुकसान होता है। मैंने काफी चलान कर रखे, 18-19 चलान तो मैंने कर रखे हैं, क्योंकि पहले से मैं लगातार करता रहा हूं, आज भी मैं 1-2 चलान किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राजा, हम स्मोकिंग किल्स के असर के तौर पर जो ये चीजें देख रहे हैं कि पुलिस पहले से और ज्यादा एक्टिव हो गई है और चालान काटे जा रहे हैं इस तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों को लेकर, क्या ये महज इस चौकी नंबर 2 की ही खबर है या और भी चौकियों पर, तमाम जगहों पर जहाँ पुलिस की तैनाती है, या फिर सार्वजनिक ऐसे जगह स्थल जहाँ पर धूम्रपान ज्यादा लोग करते हैं वहां पर ऐसी चीजें आप देख रहे हैं कि वहां पर भी एक्टिवनेस नजर आ रही हो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये फरीदाबाद पुलिस जो पुलिस कमिश्नर है उनके तहत ये उन्होंने गाइडलाइन दी थी पूरे थाने और चौकियों को, कोटपा एक्ट के तहत ये पूरा अभियान चलाया गया। मैं आपको बता दूं कि पूरे जिले में हर एक जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पे पान के कोफे हैं, जहाँ पर ज्यादा तादाद होती है युवाओं की, चाहे पार्क हो, चाहे अलग अलग स्थानीय हो, चाहे मॉल हो, वहाँ पर तमाम ऐसी जगहों को पुलिस ने पहले से ही चिन्हित कर रखे थे और वहाँ पर जाकर
जो युवा है जो स्मोकिंग कर रहे थे, जो धूमपान कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं चलान ही काटे, यहाँ तक कि उनको समझाया भी गया किस तरीके से आप धूमपान कर रहे हैं, आपका तो नुकसान हो ही रहा है, जो आपके आस पड़ोस से लोग गुजर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो जो लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि करवाकी में पुलिस का काफी सराहनीय कदम है, इस तरीके के अभियान लगातार आगे, निश्चित तौर पर ये सराहनीय कदम है और ये अभियान आगे भी चलना चाहिए। एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि इस तरीके से चालान ही काटे जा रहे हैं या कोटप्पा एक्ट के बारे में लोगों को बताया भी जा रहा है, और जैसे आपने कहा कि पैसे वसूलने के साथ, जुर्माना वसूलने के साथ साथ समझा भी रही है पुलिस कि ये गलत है, आप इसे आगे के लिए ना करें, तो ऐसा कुछ बैनर, कोई होर्डिंग, क्या इस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है या आगे करने वाली है, कुछ पता चला आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये पुलिस का पहला जो कि आज ये ऑपरेशन था, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आगे जिस तरीके से थाने की जो इंचार्ज हमने बात की, उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे हम जो है सर्च ऑपरेशन करते रहेंगे, अभियान को चलाते रहेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से आगे किस तरीके से। बिल्कुल, अभी शुरुआत है और शुरुआत शानदार है, इसे कहते हैं सर स्मोकिंग किल्स, जो शो शुरू किया हरियाणा न्यूज ने, उसका असर दिखने को मिल रहा है और ऐसा जोरदार असर होने लगे तो फिर क्या बात हो। जरूर लौटूंगी और भी सुर्खियों के लिए आपके पास, फिलहाल शुक्रिया राजा। फरीदाबाद में दलित समाज के लोगों ने फिल्म अभिनेता सलमान खान का पुतला फूंक कर उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है का विरोध किया। विरोध करने वाले लोगों की माने तो सलमान खान ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और इसके लिए वो अब सलमान खान पर मामला दर्ज कराने की तैयारी में भी जुट गए हैं। लोगों की माने तो सलमान खान ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रमोशन के दौरान एक टीवी चैनल को दिया इंटरव्यू में दलितों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। लोगों की माने तो अब वो सलमान खान के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। सलमान खान ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान एक ये शब्द कहा कि मैं उन कपड़ों को पहनकर भंगी जैसा लगता है, ऐसे उस स्टेप में भंगी जैसा लगूंगा, और ये बात उसने इतनी गलत कही है, उसने अपनी छोटी सोच दिखा दी है। 50 साल 55 साल उम्र होने के बावजूद भी उसके अंदर हमारे समाज के प्रति घृणा है और उसने जो भंगी शब्द का प्रयोग करा है वो नकारात्मक रूप से करा है, एक छोटी गाली की तरीके से, जो कि बहुत गलत है। इसके खिलाफ हमारा समाज एकजुट होकर उसके खिलाफ FIR कराएगा, SC एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा पे कराया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, नमस्कार।